हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अमित। वे प्रोटीन कौन सी कंपनी का यूज़ करें? सी, वे प्रोटीन बहुत सारी कंपनीज हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन, हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी कंपनी का हम यूज़ करें, ऑफ कोर्स प्राइस उसका थोड़ा सही हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, एट द सेम टाइम उसमें जो प्रोटीन की क्वान्टिटी हो वो अच्छी खासी हो। ब्रांड का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो वे प्रोटीन बनाती हैं, हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बट अगेन, उसमें हमारे लिए कौन सा बेटर है प्राइस वाइज और प्रोटीन क्वांटिटी किसकी अच्छी है और ज़्यादा है, हमें वही लेना है। बहुत सारी कंपनीज है, लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, डाइमेटाइज प्रे, मसल ब्लेज, मसल फार्मा। अगर मैं इन सबको अगर फिल्टर करूं और प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूं, पिछले लगभग 2-3-4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूं और मुझे सच में वो काफ़ी अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव भी लगा, वो है अल्टीमेट न्यूट्रिशन। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि मैं यूज़ करता हूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैं उसे यूज़ करता हूं। ये अगर मैं दिखाऊं, ये तो खैर खाली बॉक्स है, ये ख़त्म हो चुका है। इसमें आप स्कूप की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, खाली हो चुका है। तो अल्टीमेट न्यूट्रिशन मैं इसलिए, क्योंकि मेरे को प्राइस वाइज बड़ा सही पड़ता है ये। एट द सेम टाइम अगर मैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करूँ, ऑलमोस्ट 30 ग्राम का स्कूप है जिसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। कार्ब क्वांटिटी 2 ग्राम है, फैट 1 ग्राम है, नेगलिजिबल अमाउंट है। लगभग डेली वैल्यू अगर एवरेज देखी जाए तो 2% डेली वैल्यू का आपको मिलता है एक स्कूप में, तो लगभग ना के बराबर है। प्रोटीन का जो सोर्स है वो ऑब्वियसली वे प्रोटीन ब्लेंड है, जिसमें वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दोनों यूज़ होते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट की क्वांटिटी ज़्यादा है और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की कम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ब्लेंड में जब भी आप देखें इंग्रेडिएंट्स में, ब्लेंड में अगर वे प्रोटीन आइसोलेट पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसमें आइसोलेट की क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेट की कम है। इसीलिए मेरे को बड़ा सही लगता है अल्टीमेट न्यूट्रिशन। सर्विंग्स की बात की जाए, 80 सर्विंग्स या 80 सर्विंग आती है अगर आप बाकी ब्रांड्स के साथ अगर आप कंपेयर करें, जैसे कि ऑन हो गया। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, मेरा चैनल ही इतना बड़ा नहीं है कि मेरे को कोई अल्टीमेट न्यूट्रिशन जैसा बड़ा ब्रांड मुझे स्पॉन्सर करने के लिए कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। सिर्फ 80 सर्विंग इसमें मिल जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा 5 LBS के जितने भी बॉक्सेज होते हैं उसमें 60 सर्विंग, 50 सर्विंग ऐसे मिलती है। तो बाकी सारे ब्रांड से अगर कंपेयर किया जाए, सब में ज़्यादातर आपको 60 सर्विंग्स मिलती है, इसमें आपको 80 सर्विंग्स मिल रही है। 30 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो अगर मैथ्स किया जाए तो लगभग 83-84% आई गेस आपको प्रोटीन क्वांटिटी मिल रही है पर स्कूप, विच इज़ सो गुड। ज़्यादातर आपको 70-75-80% कुछ ही कुछ में मिलती है। प्राइस के हिसाब से बहुत सही पड़ता है ये और इफेक्टिव तो है ही। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, एक बॉक्स तो इसका ये रहा है, ये मैं रख देता हूँ। मैं आपको दूसरा बॉक्स भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका दूसरा बॉक्स, ये आप मेरे को मैंने पहले बताया खाली, ये भरा हुआ बॉक्स है, ये भरा हुआ बॉक्स है। तो ये मेरा ख़त्म हुआ था, मैंने वापस अल्टीमेट न्यूट्रिशन लिया है। कहाँ से ख़रीदें, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में अब, क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी भी है। तो इसको नीचे रख देता हूँ पहले मैं। डुप्लीकेसी की, जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने बताया आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन पर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप क्लाउडटेल इंडिया से ख़रीदिए और कहीं से आप मत ख़रीदिए, और या आप हेल्थ कार्ड से ख़रीद सकते हैं। हेल्थ कार्ड जन वेबसाइट या आप GNC स्टोर या आप न्यू लाइफ स्टोर से खरीद सकते हैं। न्यू लाइफ, GNC वगैरह पे आपको काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। यही अल्टीमेट न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है। तो क्लाउडटेल इंडिया से आपको क्यों खरीदना चाहिए, उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, आप देखिए। ये तो था वे प्रोटीन के बारे में कि कौन सा खरीदें, कहाँ से खरीदें। अल्टीमेट न्यूट्रिशन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। अब मैं बात करूँ गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या मसल का ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि जो भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं उनका कहां से ओरिजिन है, कहां से इंसर्शन है, कहां से उस मसल की शुरुआत होती है, कहां एंड होता है, ताकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो किस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि आइडिया हो आपको कि हाँ इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ मसल जाता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर तरह की मसल, जैसे मैंने उसमें आपको बाइसेप का आइडिया दिया था, बाइसेप का बताया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक मसल को कवर करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक मसल का आपको ओरिजिन और इंसर्शन बताऊं कि उस मसल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, जिसमें आपको ऑब्वियसली बोन्स के नाम भी पता चलेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आपको पता चलेगा थोड़ा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज बनाऊं, तो इस वीडियो को गाइज प्लीज 100 लाइक, ज्यादा नहीं मांगता, 100 लाइक आप दे दो मेरे को इस वीडियो पे, और अगली वीडियो मेरी
उसी टॉपिक के ऊपर होगी, और ये एक तरह की सीरीज होगी जिसमें मैं आपको बता हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा अलग अलग मसल्स को टारगेट करके। और मैंने आपको बताया था इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है तो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल, तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप कभी गलत फॉर्म आप नहीं लगाएंगे, आपको पता होगा कि हाँ भाई ये मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। काइनेसोलॉजी के ऊपर भी मैं बात करूंगा, बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर। गाइज इन्फॉर्मेशन तो बहुत है आने के लिए तैयार, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर्स बेस बढ़े ताकि कम्युनिटी टैब हमको मिले और मैं आप लोगों के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकूँ। एक ही जगह पे अगर सब कुछ होता है कि हम फोटो भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ, मैं क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ और मतलब बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिकली। तो गाइस 100 लाइक्स दे दो इस वीडियो को और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे।